जम्मू कश्मीर में तीर्थ स्थल से तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही बस पर 9 जून को संदिग्ध दहशतगर्दियों द्वारा किए गए हमले में 9 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना की जिम्मेदारी द रेजिडेंस फ्रंट यानी कि TRF ने लिए, जो दहशतगर्दों का एक संगठन है। ये संगठन पाकिस्तान समर्थित जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के इशारों पर काम करता है। इस हमले के बाद पूरे देश ने दहशतगर्दियों को लेकर आक्रोश और जान गंवाने वालों के लिए संवेदनाएं व्यक्त की हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं लिखी। इसी बीच कुछ लोगों ने उन लोगों को ट्रोल करना भी शुरू कर दिया जिन्होंने रफा शहर के सपोर्ट में तो लिखा था लेकिन रियासी जिले में हुए हमले के बारे में कुछ नहीं लिखा। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा कि वाइफ जिन्होंने रफा के सपोर्ट में भी लिखा था और 11 जून को उन्होंने रियासी में तीर्थ यात्रियों पर हुए हमले के बारे में भी लिखा है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है जिसमें लिखा हुआ है कि 9 लोगों की जान गई, 33 से ज्यादा घायल हैं। हिंदुओं पर हुए इस हमले में 2 बच्चों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। साथ ही वहां पर जो लोग बच गए थे उनकी आप बीती भी लिखी है रितिका ने, जो रोहित शर्मा की वाइफ है। रोहित शर्मा की वाइफ ने रफा शहर के लिए भी लिखा था लेकिन ट्रोलर्स का सामना करने के बाद इन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दिया था। दरअसल 9 जून के बाद लगातार सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा की वाइफ को कहा जा रहा था, ट्रोल किया जा रहा था कि उन्होंने अभी तक कुछ ऐसा पोस्ट क्यों नहीं किया। अब उनका पोस्ट आ चुका है। और वहीं भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे की पत्नी राधिका, उन्होंने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने तो 10 जून को ही दोपहर में इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की थी जिसमें एक दिल टूटने वाला इमोजी था। इसके अलावा राधिका ने घटना का एक वीडियो भी शेयर किया है जिस वीडियो में लोग एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। राधिका के इस वीडियो के बाद लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कम से कम किसी सेलिब्रिटी की वाइफ ने तो दुख जताया। राधिका सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहती हैं। बता दें कि इस हमले के बाद भारतीय जवान द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है, जल्द ही सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। आपका क्या मानना है इस खबर को लेकर हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।